लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे कि तुमने ही किया है मैं क्या करती मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी माँ बाप के सामने आज तक मैंने आंसू नहीं बहाए हैं भाई बहुत खास लोग कहते थे अच्छा नाच के आई हो नाचती भी हो तुम्हारे ऊपर वो टमाटर नहीं फेंके किसी ने जूते नहीं फेंके मैं जब आती थी तो उसको देखती थी तो इसकी भी जिम्मेदार मैं खुद को अब मानने लगी मुझे लगा कि मैंने क्यों पैदा किया मैं भगवान से बातें करती थी पागलों की जैसे पागल हो गई थी एक तरह से समझिए ऐसे लोग मेरी प्रॉब्लम बन गए जो मेरे बहुत अपने थे एक है ऐसा मौका कि अब मुझे अगर मैं यहाँ पर चूकी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ वैसे तो आप लोगों ने यह सुना होगा कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है जब कोई लड़की अपना होश संभालती है तो उसे यही लगता है कि आगे चल के मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान होने वाली है कोई इंसान ऐसा होगा जो उसके लिए सब कुछ करके देगा जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा खास करके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको सब कुछ मिलेगा तो कुछ ऐसे ही सपने मेरे भी थे एक फिल्मी दुनिया वाले सपने जो एक लड़की ना अपने देखती है कभी कोई मूवी देखा कोई सीरियल देखा तो उसे लगा कि मेरी भी जिंदगी ऐसी ही होगी कुछ करना नहीं पड़ेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करुणा मिश्रा और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से वाली तो आज आप लोग मुझे जोश स्टॉक के मंच पे देख के ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तक पहुंचना क्या इतना आसान है बिल्कुल भी नहीं एक ऐसी लड़की के लिए वो भी जो कभी यहाँ तक सोची नहीं थी कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कुछ करना भी पड़ेगा क्योंकि परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी मेरे पापा प्रिंसिपल थे वो फिर हम लोग की परवरिश ऐसी की है कि कहीं से बच्चों को कोई कमी ना हो हम लोग चार भाई बहन थे मैं सबसे छोटी थी घर में तो जो सबसे छोटे होते हैं उनको सबका प्यार मिलता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कभी दुख नहीं देखा कुछ नहीं देखा लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई तो फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ा जब मैं छोटी थी तो यही सोचती थी कि ज़िंदगी ऐसे ही है एक मस्त अलर, लड़की जो अपने खेल की दुनिया में रहती थी घूमती फिरती थी पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं था लेकिन हाँ तेज़ बहुत थी तेज़ कैसे हो गई क्योंकि माँ बाप हमेशा बोला करते थे कि मेरी बेटी बहुत तेज है बहुत बहादुर है जब मैं ये सुनती दूसरे लोगों के सामने तो मुझे ऐसा लगता कि हाँ मैं तेज हूँ मैं बहादुर हूँ मुझे तो हार मानना ही नहीं है तो मेरे जहन में बचपन से ही ये हो गया ना कि हार नहीं मानना है जो मैं सोचती थी मैं उसको कर लेती थी ज़िद्दी स्वभाव था गाँव में मेरा मतलब तो बचपन गाँव में भी क्योंकि मेरे पापा की सर्विस ही वहीं पर थी तो जब मैं सिक्स सेवन्थ में थी तो मुझे फिर ये हुआ कि आगे बढ़ना था मुझे मैं कुछ लोगों को देखी कि कुछ लड़कियां जो है शहर में गई पढ़ने के लिए मेरे साथ की मैंने ज़िद की कि मुझे भी शहर में पढ़ना है माँ बाप ने मना किया कि नहीं तुमको अकेले कैसे नहीं जाने देंगे मेरे भैया ऑलरेडी गोरखपुर शहर में रहते थे तो मैंने जिद की कि नहीं मुझे भी जाना है तो मम्मी पापा ने एक शर्त रखा कि ठीक है वहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे तुम जाओ और वहाँ पे अपना एंट्रेंस दो अगर तुम क्वालिफाई कर गई तो कर लेना उनको तो विश्वास था कि गांव की है Uh, कहाँ यहाँ का और वहाँ का लेवल ज़्यादा होगा कुछ कर नहीं पाएगी लेकिन मैंने इंट्रेंस दिया तो मैं वहाँ पे क्वालिफाई हो गई मेरा एडमिशन भी हो गया मेरे भैया ने कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ लेकिन ये जो चाहती है मैं वो कराऊँगा ये पढ़ाऊँगा इसको मेरे भैया बच्चे की तरह से मुझे पाले अपने साथ लेके आ गए कुछ समय बीतता है पढ़ाई लिखाई होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद मेरी शादी हो जाती है सब भाई बहनों की शादी करने के बाद मेरा नंबर आता है शादी बहुत जल्दी जल्दी में हो जाती है घर बैठे रिश्ता आ जाता है फिर वहाँ भी कल्पना की उड़ान एक तरह से घर बैठे रिश्ता आ जाता है तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे पिताजी को दौड़ना नहीं पड़ा और उस टाइम में आप लोगों को पता ही होगा कि पिता जो मेरे पापा प्रिंसिपल भी थे लेकिन उतनी ज्यादा इनकम नहीं थी तो जितना भी था उन्होंने दे दिया शादी कर दी मेरी बहुत धूमधाम से शादी हो गई पढ़ाई लिखाई में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था बस यही था कि मुझे लगा कि सब कुछ मिलेगा मुझे तो जाने के बाद कुछ चीजें ऐसी पता चली कि लगा कि नहीं अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा वहां भी ऐसा लगा कि घर में ही रहना पड़ेगा लेकिन मेरी तो शुरू से ऐसी सोच थी कि मुझे बहुत कुछ करना था तो मुझे वहां से समझ में आया कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए अब वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया बी का एंट्रेंस दिया तो वहाँ भी अब एक साल के अंदर ही मेरे मतलब कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया और ये जिम्मेदारी भी हो गई कि मैं माँ बन गई और बहुत कम उम्र में ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ मैंने बी का एंट्रेंस दिया और मैं वहाँ भी क्वालिफाई हुई एडमिशन कराने की बात हुई तो फिर मेरे पापा ने जिम्मेदारी ले ली कि चलो भाई मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ मेरे पापा ने मुझे बीएड कराया मैं फिर गोरखपुर में आगे रहने लगी बच्चे की परवरिश ही माँ बाप के वहाँ होने लगी और मैं बीएड करने लगी स्ट्रगल का टाइम शुरू होने लगा था धीरे धीरे मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैंने तो कुछ सोचा था कि ज़िंदगी कुछ और ही होती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है तो वहाँ से जब आगे बढ़ते गए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बच्चा बढ़ता बढ़ता गया तो जब बी एड कम्प्लीट हुआ तो ये हुआ कि अब ऐसे ऐसा सिचुएशन जब हो गया कि मैंने कुछ एक डिग्री हासिल कर ली है तो मुझे बैठना नहीं है घर पे मुझे पढ़ाना है स्कूल में पढ़ाना है तो मैंने परमिशन लेके घर में थोड़े स्टैंड लेके मैंने सोचा कि अब मुझे प्राइवेट जॉब ही सही मुझे करना है तो मैंने एक डेढ़ हज़ार की नौकरी शुरू की पिताजी के वहाँ आने का रीज़न बस इतना था कि Uh, मेरे जो हस्बैंड थे जिनसे मेरी शादी हुई थी उनकी मेंटल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी तो फिर मुझे लेकिन कुछ करना था मैं ये सोची कि अगर वो भी ऐसा रहेगा उनके साथ और कुछ नहीं करेंगे फिर मैं भी नहीं कुछ करूंगी और मैं पढ़ लिख चुकी थी मेरे पास जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी एक जॉब के लिए वो मैंने कर लिया था तो मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया बातें की घर में और फिर कोई नहीं तैयार हुआ तो मेरे पापा तैयार हुए बाकी लोगों की भी सहमत बनी कि ठीक है आप कराइए तो मैं अपने पापा के वहाँ आ गई और सबसे बड़ा रीज़न ये था पापा के वहाँ आने का कि जब मैंने बी में एडमिशन लिया था तो जहाँ मेरा गोरखपुर मायका था वहीं पास ही मुझे कॉलेज मिल गया था और बच्चा भी छोटा था चार छः महीने का बच्चा था तो उसे छोड़ने की भी प्रॉब्लम थी कि मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ कैसे क्या करूँगी तो वहाँ पे मैं मम्मी के वहाँ छोड़ देती थी और मैं अपने कॉलेज को ज्वाइन कर लेती थी कुछ समय के बाद ये कहा गया कि तुम अपने साथ अपने हस्बैंड को भी लेके जाओ क्योंकि यहाँ पे केयर नहीं हो पा रही है आप वहाँ पे जॉब जौ, भी करोगी और अपने हस्बैंड को भी देखोगी तो मेरे हस्बैंड भी आके मेरे घर पर ही रहने लगे उसका भी रीज़न था कि मेरे घर पर कोई भी नहीं था मैं घर में सबसे छोटी थी मेरे भैया बाहर जॉब करते थे घर सारे बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं अकेली थी यहाँ पे तो घर था तो मम्मी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं आप यहाँ पे रहो और जितना हो सकता है हम लोग उतना कर देते हैं तो मेरे हसबैंड भी रहने लगे तो मैं मुझे ये था ना हज़ार की जब मैंने नौकरी शुरू की तो मुझे मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही थी मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं इतना ज्यादा मैंने कुछ देखा है सपना देखा अपनी जिंदगी के लिए तो ये काफी नहीं है मुझे आगे बढ़ना है अब वहां से मैं सोचने लगी कि कैसे क्या करें तो मेरे पास एक महीने के बाद जस्ट ऑफर आता है कि आपको ढाई हज़ार की नौकरी आ, हम दे सकते हैं क्योंकि उनका ही स्कूल था एक लोग आए प्रिंसिपल थे तो मैंने उनसे बात किया कि मेरा इंटरव्यू ले लीजिए और मुझे आपके वहाँ करना है तो एक महीने के बाद मैंने उनके वहाँ ज्वाइन किया ढाई हज़ार खुश थी मैं कि चलो डेढ़ हज़ार से ढाई हज़ार हुआ और मेरा यही एक मकसद था कि मुझे करना है तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे और अच्छे स्कूल में देखना है तो इस तरह से करते करते मैंने कई स्कूल बदले नौ हज़ार और फिर ऐसे करते करते बहुत बड़े स्कूल में पहुंच गए जहाँ पे अट्ठाईस ये सारी चीज़ें तो मेरी चल रही थी लेकिन बीच में जो कहते हैं ना कि जो मेरी पर्सनल लाइफ थी उसमें तूफान आ चुका था एक समय ऐसा आ चुका था कि अंधेरा अभी आपको मैंने ये बताया कि मैं लगातार काम कर रही थी क्यों ऐसा कर रही थी क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना था मुझे अपने सपनों को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं था जिद्दी स्वभाव की थी लेकिन ज़िद ऐसी होती थी बस आगे बढ़ने की जिद किसी भी गलत चीज़ में मैंने कभी कोई जिद नहीं किया तो अब ये चीज़ें संभव कैसे हुई क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा ना कि पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान टूट जाता है वो कहता है कि मैं कैसे करूं मेरे साथ तो ये कंडीशन हो गई मैं कैसे करूं मैंने प्राइवेट जॉब को करते हुए छोटे बच्चे को देखते हुए समाज को झेलते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपना जॉब कंटिन्यू की क्योंकि क्योंकि मैंने एक बाउंड्री खींच रखी थी अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में पर मैंने ये सोच रखा था कि पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए मेरे काम पर कोई असर नहीं होना चाहिए मैं लगातार काम करती एक भी दिन मैंने गैप नहीं किया मैं रोज स्कूल जाती पढ़ाने जाती मेरे हस्बैंड घर पे रहते उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी एक दिन ऐसा हुआ कि वो निकलते थे रोज सुबह के लिए हाँ जैसे टहलने निकलते थे रोज निकले उस दिन भी निकले वो तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मैं अपने स्कूल जा रही थी सुबह चली गई बच्चा छोटा था वो निकले और आए ही नहीं फोन भी मैंने बहुत बार ट्राई किया कुछ पता नहीं चला तो मुझे लगा कि अपने घर चले गए होंगे बहुत सारी चीज़ें हुई बाद में पता वो आई ही नहीं दो चार दिन हो गया घबराहट सी होने लगी हम लोग को कुछ भी नहीं पता था हम लोग बहुत सीधे सा स्वभाव के मेरे पापा भी बहुत सीधे सा कुछ नहीं जानते थे तो एक मैम थी उन्होंने कहा कि जब चौबीस घंटे हो गए तो आप अब आप रिपोर्ट भी कर दो और आप और अपना कदम उठाओ आगे के लिए तो फिर हम लोगों ने आगे का प्रोसेस किया जो जो भी चीज़ें होती हैं खोजने के लिए जितना भी हो सकता है संभव मैंने सारी चीज़ें की अब आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की मेरी उम्र उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी पच्चीस छब्बीस साल थी मेरा एक बच्चा था छोटा जिस उम्र में लड़कियां सपने देखती हैं हसीन सपने देखती हैं कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करेगी उस समय में अपने आप से ही पूछ रही थी कि मैं कहाँ पे खड़ी हूं मैं ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि, कि किसको सफाई दू क्योंकि जब ये चीज हुई ना मेरे साथ चारों तरफ से मेरे ऊपर उंगलियां उठने लगी लोग कहने लगे कि तुम्हारी वजह से तुमने किया है जो भी हुआ है तुमने किया है अब मैं अपने आप को साबित करूं अपने पति को खोजूं बच्चे को देखूं अपनी जॉब देखूं कि मैं क्या करूं मायके में थी अपना कोई भी सहारा नहीं था ये सारी चीजें जब होने लगी तो उसके बाद से लेकिन वही बात है कि मैंने अपना काम एक भी दिन नहीं छोड़ा और काम मैं करती गई वहां पे अच्छे लोग मुझे मिले मेरी जो स्कूल के प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत तुम स्कूल आओ और कुछ देर काम करो और साइन करके चले जाओ हम तुम्हारा तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटेंगे तो वो मेरी कभी सैलरी नहीं काटी वो मैं जाती थी स्कूल और फिर वो मुझे भेज देती थी मेरे बाकी काम के यहाँ पुलिस के वहाँ वहाँ पे कचहरी में यहाँ पे मैंने दर दर की ठोकर खाई उस समय मैंने एक स्कूटी थी मेरे पास ठीक से चलाने नहीं आती थी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी मेरे साथ कोई नहीं था भैया बाहर थे मैं अपने पापा को स्कूटी पर बैठाती जैसे तैसे गाड़ी पर लेके जाती रात दिन एक करके लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे कि तुमने ही किया है मैं क्या करती मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी माँ बाप के सामने आज तक मैंने आंसू नहीं बहाए हैं क्यों क्योंकि मेरे माँ बाप ने शुरू से ये कहा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है हमेशा जीतती है तो मैं अगर ऐसा कहती तो शायद वो टूट जाते तो इसीलिए मैंने कभी नहीं कहा आज ये मंच ऐसा है कि इंसान भावुक खोके आज मेरे आंसू आ रहे हैं मेरे माँ बाप देखेंगे शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये शायद मेरे खुशी के आंसू अगर ऐसा सिचुएशन मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहती मैं भी एक साधारण सी लड़की बन के रहती जो घरों में रहती है छः सात साल मेरा ऐसा हुआ कि एकदम से कुछ नहीं मैंने किया बहुत सारी वैकेंसी आई मैंने बीएड बड़े शौक से किया था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूंगी और मुझे करना है आगे बढ़ना है लेकिन वो ऐसा मेरे साथ कहते ना कि जिंदगी में ऐसा टर्न आया कि मैं सब कुछ एकदम से कुछ नहीं मुझे लोगों ने इतना कहा इतना कहा कि मैं भी मान चुकी थी कि हाँ सही बात है मेरी गलती है मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी गलती मेरी गलती है एक टाइम आता था, था अपने बच्चे को देखती थी मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़ छोड़ के काम पे जाती थी बच्चा रोता मतलब उसको कुछ पता ही नहीं रहता था माँ बाप देखते थे मेरे वो कुछ खाने लायक नहीं था दूध भी नहीं ठीक से पी पाता था मेरे माँ बाप किसी तरह से उसको कहते ना कि खिला खिला के उसको रखते थे तो मैं जब आती थी तो उसको देखती थी तो इसकी भी जिम्मेदार जिम्मेदार मैं खुद को अब मानने लगी मुझे लगा कि मैंने क्यों पैदा किया मैंने पैदा किया है इसीलिए मेरे बच्चे को ये सब दिन झेलना पड़ा है बाप का साया उठ गया माँ दिन भर छोड़ के रहती है बच्चे को इस तरह से हा ना का प्यार पूरा मिल रहा था लेकिन वो जो चीज होती है जो माँ को देना चाहिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी अब ऐसा हो गया ना कि मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो रहा है अपने ऊपर ही विश्वास खोने लगा मैं मान चुकी कि अब कुछ मैं नहीं कर सकती लेकिन वही बात है कि मेरा काम एक भी दिन नहीं रुका मैं करती गए, करती गए। बहुत अच्छी थी अट्ठाईस हजार ज्वाइनिंग हुई मिशनरी स्कूल था बहुत प्रतिष्ठित स्कूल गोरखपुर का तो खुश तो थी अपने जॉब के साथ तो फिर जब मैं वहां पे गई और लोगों का देखी ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनका निकल जा रहा है रिटर्न तो फिर मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं क्योंकि बचपन से वो जो एक चीज थी मेरे अंदर कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं मुझे हार नहीं मान रहा है मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ तो फिर मैंने एक तैयारी मैंने तैयारी करना शुरू किया गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई और मैंने करना शुरू किया अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पढ़ाई में मैंने शुरू से ध्यान नहीं दिया जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो कलात्मक क्षेत्र ना उसमें ज्यादा मेरा मन लगता था तो मेरे मार्क्स जो थे ना बस बहुत एवरेज थे अपने विषय में बहुत ज्यादा ऐसा नॉलेज नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा कमांड था हाँ बाकी चीज़ों में था लेकिन अपने सब्जेक्ट पे कंपटीशन के लेवल से नहीं था कुछ भी नहीं था मैं जीरो थी मान के चलिए अब ऐसी चीजें मैं किताब उताब के एकदम से घबरा गई कि अब मैं क्या करूंगी तो वहां पे लेकिन फिर वही हुआ कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों को जवाब देना लोग आते थे मुझसे कहते थे उसका हो गया उस लड़की का हो गया ही एक लड़की हो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ जब जानते थे हाँ, तु, तु, व्यंगात्मक हंसी अब मेरे आंखों के सामने वो जो व्यंग था ना वो दिखाई देता था।, था मैं एकदम से समझिए कि मैं मानसिक रूप से बीमार होने लगी लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं इन चीजों को किसी के सामने बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरे घर परिवार में भी आ, मैं इन चीज़ों को रखती नहीं थी माँ बाप से कभी नहीं कहती थी कि मुझे अंदर अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है मैं हमेशा उनके सामने मजबूत दिखाती थी, थी क्योंकि वो बचपन से मुझे ऐसा समझते थे लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत एकदम से खोखली होती जा रही थी लेकिन मुझे वही कला से बहुत प्रेम था संगीत से बहुत प्रेम था तो मैंने बीच में जो है ज्वाइन कर लिया अपना डांस करिए कथक से मैं प्रभाकर करने लगी मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं जाती थी जितनी देर क्लास करती थी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा मैं खुश रहने लगी और जहाँ पे मैं जॉब करन, करने के लिए गई वहां पे भी मेरा बहुत मान सम्मान होता था कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत टैलेंट है मैं वहाँ पर सिखाती थी, थी लेकिन अभी कहाँ भगवान की परीक्षा भी खत्म थोड़ी ना हुई थी अब ऐसे लोग मेरी प्रॉब्लम बन गए जो मेरे बहुत अपने थे कहते ना कि मेरे कठिन समय को और कठिन मेरे भाई बहन ने बनाया खास करके मेरी बहनों ने भैया का तो सपोर्ट बहुत था वो चाहते थे कि मेरी जॉब लग जाए लेकिन उनके अंदर यही था कि थोड़ा सा वो था कि कान के कच्चे थे उनको जो चीज कह देते थे कोई तो वो मान लेते थे मेरी बहनों ने ये मेरा समय और भी कठिन बना दिया उसकी वजह क्या थी कि मुझसे जो बड़ी बहन है बीच बहन बीच वाली शायद मेरी पैदा होने से ही उसको प्रॉब्लम थी बचपन से बचपन से लड़ाई झगड़े होते थे तो मैं उसको हंसी मजाक में लेती थी कि बहन है कोई बात नहीं सारी चीजें होती थी लेकिन जब मैं बड़ी हुई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी तो उसको अच्छा लगता था कहीं ना कहीं से उसको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कहते ना कि वो चाहती थी कि इसकी लाइफ में ना हो अगर मैं शायद ये चीज़ कहूँ तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि बहनों के बीच में ऐसा नहीं होता है लेकिन मेरे ऊपर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वो सिर्फ मैं ही जान सकती समाज में भी, भी नहीं कह सकती थी क्योंकि घर और परिवार की इज्जत की बात होती है घर की बात बाहर करना सही नहीं होता है लेकिन मैं उन लोगों की भी मैं झेलती हुई आगे बढ़ी मैं पढ़ती थी तो उन लोगों ने एक वॉट्सअप ग्रुप बनाया था और मेरी बड़ी बहन भी और उन लोगों ने मेरे भाई को भी बैठते थे पापा को भी बैठते थे मैं तो तो किसी से कॉल सबसे दूर हो गई थी थी तो मुझे कान में, में मेरी आवाज आती थी थी कि पढ़ती नहीं है वो घूमती है वो बेवकूफ़ बना रही है वो बस काम ना करना पड़े इसलिए अरे पापा आप नहीं जानते हैं वो बस ऐसे ही है तो ये जब मेरे कान में आता था तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ ये जब वैकेंसी आई तो मुझे लगा कि एक है ऐसा मौका कि अब मुझे अगर मैं यहाँ पे चूकी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ लोग मुझे जीने नहीं देंगे जो इतना ताना मारते हैं हम लोग मुझे रहने देंगे मैं सबको सफाई देते हुए सब कुछ करते हुए मैं फिर से अपने आप को खड़ा कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को बनाने की फिर घर में से आप बाहर वालों से लड़ सकते हैं लेकिन घर में अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप अंदर से टूट जाते हैं अगर मैं रोती उन लोगों के सामने तो कहते कि दिखावा है इसके आंसू दिखावा है कभी कभी ऐसा मन करता था ना जब मेरा बेटा सोता था और रात में बैठे रहते थे तो मैं पंखे को देखती थी सोचती थी कि फिर मन में आता था ऐसे ही लोग ना सुसाइड करते हैं क्योंकि कहीं से तो कोई बचा ही नहीं है सभी लोग मेरे खिलाफ है समाज के लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं लेकिन अब घर परिवार के लोग बस मुझे जब मैं फिर क्या करती थी कि मैं वेट करती थी कि पापा मम्मी अगर सो जाए तो फिर मैं कुछ करूं फिर मैं अपने बच्चे का मुंह देखती थी कि इसका क्या होगा इसको खाना कौन खिलाएगा इसको देखेगा तो कौन अगर मैंने पैदा किया है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है फिर मैं पूजा के रूम में जाती थी अपने भगवान के सामने घंटों बैठ के रोती थी अंधेरे में पापा में मेरी आवाज ना सुने क्योंकि मैं तो बहादुर बेटी थी ना अपने पापा मम्मी की मुझे हार नहीं मानना था मैं वहां जाती थी और रोती हुई थी, थी तो मुँह दबा के आवाज ना जाए बाहर रात में तो खूब रोती थी नींद ही नहीं आती थी बेचैन रहती थी करवट बदलते बदलती रात बीतती थी फिर मुझे सुबह स्कूल जाना था कब नींद लगती थी पता नहीं चलता दो चार घंटे की नींद जो भी है ये सारी चीजें होती गई मेरे मुझे बस जवाब देना था समाज को तो देना था अपने परिवार वालों को ही देना था कई बार जब मैं अपने भाई बहनों से भी कहती थी, थी कि मैं मर मैं मर जाऊंगी बहुत प्रॉब्लम में ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं तो कहते थे कर ले तू जा जा तू कर ले ये सुन के मैं और आहत हो जाती थी कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे रहने से न रहने से हालांकि मुझे पता था कि मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन बस वो बातों में आके मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मैंने अपने भैया से बात की भैया मुझे एक साल का समय दीजिए मैं आपको करके दिखाऊंगी अब आप सोचिए आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आ गया आप एक तो पहले से टूटे हुए हैं आप अकेले हैं आपका हस्बैंड जा चुका है वो लड़की अकेली है अभी वो पच्चीस चौबीस पच्चीस साल के उम्र से झेल रही है एक बच्चा है समाज है परिवार है मोहल्ले के भी लोग पूछते थे, थे कि ये यह यहाँ क्यों रहती हैं वो भी जवाब देना कहीं भी जाती थी लोगों का नजरिया ही अलग होता है अगर कोई जान जाता कि ये लड़की अगर अकेली है तो उसका नजरिया भी देखने का अलग हो जाता है ये सारी चीज़ें मैं झेलती थी किसी से कुछ नहीं कहती माँ बाप को भी देखती थी माँ बाप बुजुर्ग हैं कब तक मुझे रखेंगे और यहाँ से ये हो गया कि मेरे भाई बहन भी रेजेस्ट हो गए मेरी बहनों को शायद मेरी मम्मी के वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था वो ये चाहती थी कि ये यहाँ से चली जाए तो अब मेरे ऊपर भी दबाव बन गया कि अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मैं तो यहां भी नहीं रह पाऊंगी सारी चीजें मेरे एकदम खिलाफ मैं बैठ के सोचती थी कि मेरे तरफ है कौन तो मैं भगवान से बातें करती थी पागलों के जैसे पागल हो गई थी एक तरह से समझिए अकेले में जाती थी थी अपने आप से बातें करती भगवान से बातें करती मैं थी मैं कहती थी भगवान जितना करना है कर लीजिए आप डाल डाल तो मैं पात पात कितनी परीक्षा लेंगे अब तो जिंदगी ऐसी हो गई थी कि लगता था कि ये भी करना है ठीक है भाई कर लेंगे ये भी करना है कर लेंगे जो कराना है ज़िंदगी करा लो लेकिन मेरा काम नहीं रुकेगा और मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी की बहुत बहादुर लड़की हूँ बहुत ही बहादुर पढ़ाई लिखाई का समय मतलब मैं स्ट्रगल टाइम चल रहा था मैं तैयारी कर रही थी वैसे भी नींद नहीं आती थी रात में तो मैंने सोचा कि वो टाइम पढ़ाई को देते हैं तो मैं वो सारा काम वगैरह निपटाती थी हाँ मेरे भैया का बहुत सपोर्ट था उस समय मेरी भाभी भी सपोर्ट की मुझे मेरे पढ़ाई करने में तो जब मैं पढ़ती थी तो उसके बाद से रात में क्योंकि दिन भर में जॉब करती थी और जब जॉब करती थी तो आती थी दो तीन बजे और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पढ़ने बैठ जाती थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे गले पे एक तलवार लटक रही है अगर मैं जरा भी चूकी जरा भी सोई तो वो तलवार मेरा गला काट देगी मेरी जिंदगी खत्म जो कि मुझे मंजूर नहीं था अपनी जिंदगी को खत्म होते देखना मुझे साबित करना था लोग मेरे ऊपर व्यंग करते थे हंसते थे तो जब मैं अच्छा इसी बीच में ये भी बताऊँ जब मैं डांस करती थी ना कथक वाला तो बस भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले मेरे गुरु बहुत अच्छे थे गोरखपुर के सबसे बेस्ट सिखाने वाले तो वो हम लोग का एक ग्रुप था जो हमेशा हम लोगों को लेके जाता था स्टेज परफॉर्म कराने के लिए तो हम लोग स्टेज पर परफॉर्म करते थे खूब मैं तैयार होती थी कर मुझे तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी मैं बहुत खुश हो जाती थी तो जब करके आती थी तो मेरे बहुत खास लोग कहते थे अच्छा नाच के आई हो नाचती पी हो तुम्हारे ऊपर वो टमाटर नहीं फेंके किसी ने जूते नहीं फेंके तो इस नज़र से देखते थे कि मैं डांस अगर स्टेज पे करती हूँ तो मैं इस नज़र से करती हूँ मैं एक नाचने वाली हूँ उसको भी बहुत गलत वे में अरे ये वो तो नाचती है अरे उनकी लड़की तो नाचती है बहुत सारी चीज़ें सुनने को लेकिन मुझे क्या था कि मैं जानती थी कि इसकी बहुत वैल्यू है अगर मैं बड़े बड़े स्कूल में जाऊंगी तो वहाँ पे मुझे पहले प्रायोरिटीज दी जाएगी कि हाँ भाई इसको ये सारी चीज़ें आती हैं जब मेरे एग्जाम अभी दस दिन रह गए थे तो मेरी आंखों में ऐसी बीमारी हुई जो उसमें पता चला कि मेरी पुतलियाँ जो हैं वो सिकुड़ती हैं मेरी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा मैं तो मुझे लगा कि एक सामान्य सी जो एक बीमारी होती है वो है लेकिन कुछ टाइम के बाद पर्दा जैसे एसवाइट लगने लगा तो जब मैंने बहुत ज़्यादा हुआ था डॉक्टर दिखाया डॉक्टर ने कहा कि ये आपको बीमारी बहुत भयंकर बीमारी हो रही है आयराइटिस हो रही है और आप इसका इलाज कराइए तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भगवान दे सकते हैं कि भाई तुम सब कुछ कर सकती हो लेकिन जब तुम्हारी आंख ही हम ले लेंगे तब तुम क्या कर सकती हो तब तुम कैसे पढ़ोगी इतने ज्यादा दिक्कत मैंने भी फिर वही कहा कि भगवान अब डाल डाल तो मैं पात पात मैं अपनी एक आंख बंद करती और ऐसे किताब लेके कि मैं पढ़ती एंगल बनाती जहाँ से थोड़ी सी भी अक्षर दिखाई देते मैं वहाँ से पढ़ती पढ़ाई में कहीं से भी एक भी दिन की मैंने ढिलाई नहीं की जहाँ भी मुझे लगता था कि आज प्रॉब्लम है किसी ने कुछ बोला है तो मैं दो घंटे ज़्यादा पढ़ती फिर मैं ये आँख बंद करती इससे पढ़ती ऐसे कर करके मैं रात रात दिन वैसे ही पढ़ती एग्जाम का टाइम आ गया मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मेरी वो दवा बंद कर दी इसे कम दिखाई देता है क्योंकि उससे और फैल के दिखाई देता था डॉक्टर ने कहा ठीक है ये सारी चीज़ें हुई अभी भी परीक्षा बाकी थी जब मैं एग्जाम एग्जाम हॉल में गई तो पेपर ऐसा आ गया था जैसा अभी तक कभी आया ही नहीं था सारी चीज़ें चेंज जो तैयारी करके गई थी वो एकदम से चेंज जैसा लगा कि पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई और वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी लेकिन अपनी समझदारी से मैंने परीक्षा दिया और लास्ट मोमेंट तक तो मुझे लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं थे मुझे नहीं पता था कि मेरिट इतनी कम जाती जब पेपर कठिन आता है तो मेरिट भी गिरती है मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेरिट जाती मेरा तो होगा ही नहीं लेकिन वही बात है कि पेपर कठिन सबके लिए होता है और जब मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं था मैं दूसरों का नाम खोज रही थी मैंने उस दिन फोन ही नहीं छुआ और रात में जब बारह बजा तो मैं ऐसे ही जैसे रात में सोते समय चेक करते हैं तो मैंने देखा कि अच्छा पी आया है स्कूल वहाँ से एग्जाम का रिजल्ट आया है मैं चेक करती गई दूसरों का नाम चेक कर रही थी कि अच्छा हाँ इसका देखो किस्मत बदल गया इसकी जिंदगी बदल गई तब तक मुझे अपना नाम दिखाई देता है आश्चर्य होता है कि ये क्या है जैसे लगा कि मैं पागल हो गई हूँ और एक एक चीज मैंने मिलाया रोल नंबर मिलाया विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है और मेरे मतलब मुंह से बस यही निकल रहा था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई मेरी जिंदगी बदल गई मैं कई लोगों से कंफर्म कर रही थी क्या ये मेरा रिजल्ट है विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और जहां पे मैंने डेढ़ हज़ार की नौकरी शुरू की थी आज मैं अस्सी हज़ार पाती हूँ और शायद ये चीजें और बढ़ेंगी भी मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ इंटर कॉलेज में आ, मैं हिंदी पद पे मैं कार्यरत हूँ और मुझे बहुत गर्व है अपनी मातृभाषा को और बढ़ावा देने का जो मुझे मौका मिल रहा है ना मुझे बहुत गर्व है अपने विषय पे आज मैं अपने परिवार को भी देख पा रही हूँ अपनी छोटी बड़ी जितनी भी मेरी खुशियाँ थी जितनी जो चीज़ मैंने कभी कल्पना की थी वो सारी चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ सबकी खुशियों को आज मैं जी पा रही हूँ तो इसीलिए अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे एक डेढ़ हजार की नौकरी से शुरुआत करके इंसान यहाँ तक तो पहुँच सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मैं इतनी टूटी हुई थी ना कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी मैं बस देखती थी ना कि कहीं से मुझे मोटिवेशन मिले जो स्टॉक का मंच ऐसा है कि मैं शुरू से देखती आ रही हूँ मुझे लोगों की कहानियां बहुत प्रेरित करती थी बड़े बड़े लोगों को मैं देखती थी सीखा लेकिन फिर मन में यही होता था ना कि अरे मैं कहा मैं कभी नहीं पहुंच सकती वहां पे मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि जब मैं सफल हो जाऊंगी तो अपना ही कुछ मैं करूंगी तो मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया अपना जिसका नाम है गर्जना जीत की जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं सारा श्रेय जो है ना ये जो स्टॉक का मंच ऐसा है जिसको मैं देना चाहूंगी कहते हैं ना कि एक मुरदे इंसान के अंदर भी जो जान आ जाती है मोटिवेशन वो चीज होती है तो आप मोटिवेशन खोजिए आप आपके अगल बगल ही मोटिवेशन है और कहते हैं ना कि ये जो सिचुएशन होती है ना आपकी सिचुएशन जो आपकी पर्सनल लाइफ ही है वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और मैंने बस एक चीज अपने लिए मैं हमेशा सोचती थी कि इनकार किया है जिन्होंने मेरा समय देख वादा है एक दिन ऐसा समय लाऊंगी कि मुझसे मिलना पड़ेगा समय लेकर जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मानकर बैठ जाते हैं तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोशॉक से जो स्टॉक्स जॉब फॉर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग मेंटोरशिप हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में डाल दिया गया है चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हूं जो स्टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहां है